हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हाई फाई एजुकेशन चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको असिस्टेंट लोको पायलट का जो यानी कि ELP है उसका मैं आज आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम क्वेश्चन पेपर पर पहुँचते हैं। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल हाई फाई एजुकेशन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम 50 नंबर तक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, 90वें ऑस्कर पुरस्कार 2018 के अंतर्गत जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है, हमारी फिल्म है द शेप ऑफ वाटर को दिया गया। अतः ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, रेलवे में CRB का पूर्ण रूप होता है, जो इसका जो फुल फॉर्म होता है यानी कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड। अतः ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। दोस्तों, रेलवे के प्रतीक चिन्ह में 17 स्टार क्या दर्शाते हैं? जो दर्शाते हैं वो यानी कि हमारे 17 जोन है, जो आखिरी जोन यानी कि 17वां जो जोन बना वो हमारा कलकत्ता मेट्रो, जो वो हमारा 17वां रेलवे जोन बना। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 14 मार्च 2018 को ब्रिटेन के में निधन हुए खगोल भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की निम्नलिखित में से उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो हमारी है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो दोस्तों, जो स्टीफन हॉकिंग हैं हमारे, उन्होंने ब्लैक होल और रिलेटिविटी पे काफ़ी काम किया। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, त्रिपुरा में 25 वर्ष से सत्ता में रहे वाम दल माणिक सरकार को हराकर फरवरी 2018 में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो विप्लव कुमार देव हैं। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2018 में लिम्फा बुक ऑफ रिकॉर्ड 2018 में निम्नलिखित में से किसे रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया? जो रेलवे स्टेशन था वो हमारा माटुंगा, यानी कि जो है जो माटुंगा रेलवे स्टेशन है हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। जो माटुंगा रेलवे स्टेशन इसको क्यों लिम्फा बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया? क्योंकि ये पहला पूर्ण महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन बना। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90वें ऑस्कर पुरस्कार 2018 में कौन सा सम्मिलित है? दोस्तों, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला था वो हमारी गौरी ओल्डमैन को मिला था, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फेसेस माइक डोरमट को मिला। और जो सी वाला ऑप्शन है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गैली आर्मो डेल टेरो, ये भी सही है। जो सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म ए फैंटास्टिक वुमेन, ये भी सही। अतः ऑप्शन जो होगा डी वाला हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच का 48वां वार्षिक सम्मेलन जनवरी 2018 में कहाँ संपन्न हुआ? जो दावोस स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2018 में बंगलुरु में हुए हीरो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल की विजेता कौन है? जो विजेता टीम रही वाली वो चेन्नई AFC रही। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री? जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो हमारे कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। अतः ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2017 रिपोर्ट में 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला? जो 81 स्थान इस भारत को मिला। दोस्तों, इसमें जो टॉप प्रदेश रहा वो हमारा न्यूजीलैंड बना, जबकि दोस्तों जो सबसे भ्रष्ट देश बना वो हमारा सोमालिया बना। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेल ताइबेक दक्षिण कोरिया में फरवरी 2018 में संपन्न हुए इस खेल की पदक तालिका में प्रथम स्थान पाने वाला देश है? प्रथम स्थान पाने वाला देश है वो हमारा है नॉर्वे। अतः ऑप्शन ई वाला राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2018 में निम्नलिखित में से किस फिल्म अभिनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? जो सम्मानित किया गया था हमारी सौमित्र चटर्जी को सम्मानित किया। अतः ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है? जो ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वो हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? जो
हमारा प्रकाश का वेग होता है वो सदा एक समान रहता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, जो ध्वनि का वेग होता है वो हमारा धातुओं में अधिकतम होता है, जबकि जो सबसे कम होता है वो हमारा वायु में होता है, जबकि धातुओं में अधिकतम, इसके बाद द्रव, इसके बाद वायु का नंबर आता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा होने के कारण आती है, जो लैक्टिकम जो हमारे मांसपेशियों में जमा हो जाता है जिससे हमारे शरीर में थकावट आ जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की गति सामान्यतः होती है, जो सामान्यतः होती है वो हमारी 70 से 80 प्रति मिनट होती है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग मनुष्य शरीर को सीधा प्रभावित होने वाला अंग है, जो सीधा प्रभावित करता है वो हमारी यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है, जो प्रकाश का रंग होता है वो हमारी तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है, अतः ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग मृच्छिका का कारण होता है, जो मृग मृच्छिका होता है उसका जो कारण होता है हमारा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस एक होता है, जो कंप्यूटर वायरस होता है वो हमारा एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर वायरस होता है हमारा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, अतः ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जो 23 नंबर है, प्रकाश वोल्टी सेल होता है, जो प्रकाश वोल्टी सेल होता है वो हमारा होता है सौर सेल। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कोड किस धातु का बना होता है, जो ट्रांसफार्मर का कोड होता है वो हमारा नर्म लोहे का बना होता है यानी कि सॉफ्ट आयरन का होता है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, तो वो कौन सा नियम होता है, तो हमारा ओम का नियम होता है, अतः ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा, जो ओम का नियम होता है इक्वल टू IR होता है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है, जो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल है हमारे वाटसन तथा क्रिक की देन है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 नंबर, अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं, जो अत्यंत निम्न ताप पर अध्ययन होता है वो हमारा क्रायोजेनिक होता है, यह रॉकेटों के इंजन में यूज किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, जो NaCl होता है हमारे नमक का रासायनिक सूत्र है, जबकि जो दोस्तों अमोनिया दिया गया है इसका जो प्रतीक यानी कि जो फार्मूला होता है वो NH3 होता है, जबकि जो पानी दिया गया है इसका H2 होता है, जबकि जो चीनी दिया गया है ये C12H22O11 होता है। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा होती है, जो प्रवाहित विद्युत धारा होती है हमारी आधी घट जाती है, क्योंकि दोस्तों इक्वल टू IR होता है। तो दोस्तों इसमें कह रहा हम कि प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए, यानी कि V बराबर जो हो जाएगा V है R, यानी जब हम प्रतिरोध को कह रहा दुगना कर दिया जाए, तो दुगना कर दिया तो वोल्टेज का मान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा होगी वो हमारी 1/2 होगी, अतः ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, जो रेजिस्टेंस होता है उसकी जो यूनिट होती है वो हमारी ओम होती है, यानी कि जो रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं, जबकि दोस्तों अन्य विकल्प देख लेते हैं, जो एम्पियर होता है ये हमारे विद्युत धारा का मात्रक है, जबकि दोस्तों जो वोल्ट दिया गया है ये हमारे विभवांतर का मात्रक है, जबकि जो वाट दिया गया है ये हमारा शक्ति का मात्रक है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 नंबर, भारत के प्रथम ग्रीन रेल कॉरिडोर का प्रारंभ किस राज्य में हुआ, जो ग्रीन रेल कॉरिडोर बना वो हमारा तमिलनाडु बना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो दोस्तों जो हमारा 32 नंबर है, गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा, जो गतिज ऊर्जा का उदाहरण होगा चलती हुई कार, और ये जो सारे विकल्प दिए गए हैं ये सारे विकल्प हमारे गतिज ऊर्जा के उदाहरण नहीं है, क्योंकि जो चलती हुई कार इसमें वेग होगा, जो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv² जिसमें वेग होगा वो गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 33 नंबर, v = u + at जानकारी देता है, जी देता है वेग और समय का एक कार्य है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, जो उसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 4 होगी। तो दोस्तों देख लेते हैं, जो परमाणु क्रमांक 14 होता है वो भी जरा किसका परमाणु क्रमांक होता है, हमारा होता है सिलिकॉन का, यानी कि Si जो सिलिकॉन होता है उसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। तो दोस्तों इसका संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लेते हैं कैसे निकालते हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 2, 8, 4, तो आखिरी में जो संयोजक इलेक्ट्रॉन बचे वही हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से प्रकाश की तरंग सबसे कम तरंग लंबाई वाली होती है, जो बैंगनी रंग की होती है वो सबसे कम तरंग वाली लंबाई होती है, जबकि दोस्तों जो लाल रंग की होती है वो तरंग दैर्ध्य हमारी सबसे अधिकतम होती है।
तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं, आउटर स्पेस में ब्लैक होल का कारण है, ब्लैक होल का कारण है वो हमारा है गुरुत्वाकर्षण। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस है, जो निष्क्रिय गैस होती है वो हमारी होती है आर्गन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल वाहनों में उत्सर्जित वायु प्रदूषण फैलाने वाली सबसे हानिप्रद गैस है, जो सबसे हानिप्रद गैस होती है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, जबकि जो दोस्तों मीथेन दिया गया है इसका जो फार्मूला होता है CH4 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ओजोन गैस O3 होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, जो ग्रीन हाउस गैस है वो हमारी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद जो आती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी 80% होती है, जबकि दोस्तों इसके बाद मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड गैसें होती हैं तथा अदर और गैसें होती हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर हमारा, इनमें से किस मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसको हम काला पैगोडा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो दोस्तों जो हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, शंकराचार्य के समर्थक थे, जो शंकराचार्य थे वो हमारे अद्वैत वेदांत के समर्थक थे, अतः ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से भारत में भारी वृद्धि हुई है, किसमें वृद्धि हुई है, हमारे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो दोस्तों जो हरित क्रांति है इसके जो जनक कहे जाते हैं वो हमारे कहे जाते हैं भारत में MS स्वामीनाथन, जबकि हरित क्रांति के विश्व स्तर पर जो जनक कहे जाते हैं वो हमारे नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। तो दोस्तों जो दुग्ध उत्पादन दिया गया है इसके जनक कौन है, वो हमारे वर्गीज कुरियन जी हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी क्या है, जो सुनामी है वो जल निकाय के भारी मात्रा में विस्थापन से चलकर जल तरंगों की एक श्रृंखला होती है, तो अतः ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के नए राज्य बने जाने पर भारत के राज्यों की संख्या हो गई है, जो राज्यों की संख्या है वो हमारी 29 है। तो दोस्तों तेलंगाना राज्य है ये हमारे आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना, जबकि दोस्तों जो तेलंगाना राज्य है वो 2 जून 2014 को बना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में ऊपर से नीचे का क्रम होता है, ऊपर से नीचे का क्रम होता है हमारा विभ्योर होता है, यानी कि VIBGYOR, तो V पहले नीचे आ गया, तो यानी कि जो ये हमारा VIBGYOR, तो यानी कि जो हमारा पहले आ जाएगा रेड, तो यहाँ जो ऊपर दिया गया है रेड तो इसमें लाल हो जाएगा, इसके बाद ऑरेंज जो नारंगी दिया गया है, इसके बाद येलो पीला हो गया, और जो ग्रीन दिया है ये हरा हो गया, जो ब्लू नीला दिया गया है, और जो आई दिया गया है यानी कि इंडिगो यानी कि नारंग जामुनी होता है, और जो वी दिया गया है यानी कि वायलेट यानी कि बैगनी, अतः ऑप्शन जो होगा वो हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें मैंने ये 45 क्वेश्चन देखे, और देख लेते हैं 46 नंबर क्या है, एक अधिवर्ष होता है, जो एक अधिवर्ष होता है हमारा 366 दिन होता है, यानी कि एक अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष को बोलते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब, जो सूर्य ग्रहण होता है वो कब होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, तुम्हारा क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, जबकि दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है तो कौन सा भाग दिखाई देता है, वो हमारा कोरोना दिखाई देता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, जो दोस्तों आर्य समाज की उसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, कलकत्ता बॉम्बे तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, जो उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी हमारी 1862 में की गई थी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, अपने देश में किस राज्य की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है, जो गुजरात है उसकी सबसे लंबी जो तट रेखा है, इसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। तो दोस्तों इसके बाद हम 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो दोस्तों ये जो हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, खादीराम बोस तथा प्रफुल्ल चौकी ने किस स्थान पर अंग्रेजों पर बम से हमला किया था, जो मुजफ्फरपुर था इस जगह पर इन्होंने अंग्रेजों पर बम पर हमला किया। तो दोस्तों इसमें टॉप मैंने 51 क्वेश्चन बताए, तो दोस्तों अगर मेहनत मेरी सफल हुई तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।